ये वफा है ना? हाँ ये तो वफा है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? वो भी रिक्शे में? चलो चलो इसे फॉलो करते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, खैरियत तो है? आज तो चाय के साथ बायल अंडे भी चलेंगे। आज कौन सा मोहब्बत का सितारा हमारे सेहन में उतरा है? अरे इसमें भी तेरा कोना कोना मतलब होगा। क्या बात है, इसी बार से तारी है तुझे, पता मुझे। नहीं मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ शराफत की बेटी का घर बर्बाद नहीं करो। मुझे नहीं पता तुम दोनों क्या खेल खेल रहे हो, लेकिन ये गलत है, गुनाह है ये। फरहाद जैसा हीरा लड़का वफा को कभी मिल ही नहीं सकता है। देखो अपनी बेटी का साथ नहीं दो, वफा की हरकतें तो हमें किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगी। आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूं शराफत? पापे हैं थोड़ी और पड़े। मुझे तो लग रहा है आपने मेरी को बात सुनी ही नहीं। तुमने सुना जो मैंने कहा? हाँ रखे पापे। तो लेकर आप और फिलहाल में चाय भी लाना। अब आ सुन, आज नहीं तो कल पुनीत तो इस घर से चला जाएगा, तो अभी से अपनी जुबान पे ताला लगा ले, वरना मोजी के पास होता ना वो धागा मोटा सा, मिनटों में जुबान सी दूंगा मैं तुम्हारी, समझी? कौन से इलाके में जा रही है, किस तरफ जा रही है ये? और ये कौन सा इलाका है शिजा? गाड़ी साइड पे पार्क कर, मैं आ रही।
सुनो। जी कहे। तुम इसी इलाके में रहते हो? जी यही यही मेरा घर है। किसी वफा नाम की लड़की को जानते हो? वो शराफत अंकल की बेटी है। हाँ भाई, एक नंबर के जुआरी इंसान है। उनकी बातों पर कभी यकीन मत कीजिएगा। दो मिनट में चुने लगा देंगे, सिर्फ दो मिनट में। उन जैसा बनिया इंसान तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हमारे बराबर वाले घर में ही रहते हैं। शुक्रिया जी। मीसम जीना ना उसे जाता है जो कभी तुम्हारा हो। मीसम तो कभी तुम्हारा था ही नहीं। शिजा 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 शिजा। देखो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि आज मैंने पहली और आखिरी बार ये सब बर्दाश्त कर लिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कुछ सोचने का मौका भी नहीं दूंगा, समझी तुम? दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? अबे ये जिंदगी है, कोई हलवा नहीं है जो मजे से ठूंसे जा रही है और खिलाए भी जा रही है। अब्बा सिर्फ एक्टिंग करने के लिए तो कह रही हूँ, कौन सा कोई कह दिया कि जाके मौत के कुएं में कूद जाओ। तो थोड़ा सा सच की भिनक भी पड़ेगी ना उनको, तो अपनी मौत पक्की है। मौत लो भाई, यहाँ पे महफिल सजी नहीं है, तुम पहले इख्तिताम को पहुंच जाओ। अब्बा बहुत अच्छे लोग हैं, मेरा यकीन करो, मीसम मुझे सब बता चुका है। बहुत ही शरीफ, मासूम और जहेज तक नहीं मांग रहे। कहते हैं सादगी से शादी करो, और अगर तुम कहोगे ना तो कल को तुम्हें एक कसीनो भी खुलवा दूंगी। तुम्हें तो बस वहां जाना है और डेट फिक्स करनी है, और तो कोई काम ही नहीं है। और नहीं तो क्या? अबे शेख चिल्ली समझाया क्या? जमाने की ऊंच नीच क्यों समझता हूँ मैं? बस ज्यादा लंबाई की जरूरत नहीं है, जाकर मीसम को सीधा सब कुछ सच सच बता दे। क्या सच बता दूं? सच वच नहीं बता सकती अब्बा मैं। अब उसे पाने के लिए मैंने इतने झूठ बोल दिए कि मुझे तो खुद भी नहीं याद कि क्या क्या झूठ कहा है मैंने। इस सफर में ना मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, वापसी का रास्ता अब नहीं है अब्बा। और वहां जाकर जो इतने सारे सवाल होंगे उसका जवाब कौन देगा? अरे मुझे तो दुबई के हिज्जे भी नहीं आते, तूने मुझे बना दिया है शराफत अली, और अमेरिका से आ रहे हैं अपनी इकलौती बच्ची की शादी करने। ना उसके पास बड़ी सी गाड़ी है, ना उसके पास ढंग के कपड़े हैं। बेटा बस खुद तो तमाशा बनेगी, मुझे भी बन बने। अब्बा किसी का तमाशा नहीं लगेगा, मैं हूं ना, तुम्हारे पास गाड़ी भी होगी, गार्ड्स भी होंगे और सूट बूट भी होगा। सब मुझ पे छोड़ दो, तुम बस जाने वाले बनो। पैसे कहां से हैं? पैसों का बंदोबस्त भी मेरी जिम्मेदारी, लेकिन अब्बा ये रिश्ता हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। एक बार मीसम से शादी हो गई ना मेरी, तो समझो हुक्म का इक्का मेरे हाथ में। फिर उसे सब सच बता दूंगी, कह दूंगी कि ये सारे झूठ मैंने सिर्फ उसे पाने के लिए बोले थे, लेकिन कभी मेरी मोहब्बत पे शक ना करे। वाह 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 वाह, बिल्कुल मुझ में गई है भाई। मेरे जज्बात भी ऐसे ही थे जवानी में, पर इतना है कि मेरे पास तेरे जैसा दिमाग नहीं था। अरे अब्बा मेरी एक और बात याद रखना, मैं बिल्कुल भी अपने घर वालों की तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ कि तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके छोड़ दूँ। तुम्हारी इस मेहनत की पूरी कीमत मिलेगी तुम्हें, और लाखों हजारों में नहीं, करोड़ों। पूरे 3 करोड़ दूंगी तुम्हें। बस क्यों कर रही है बेटा, तैयारी कर। ये हुई ना बात? ना ना नहीं, दुबई में लोग सिगरेट नहीं। वेप पीते हैं। वेप? वेप क्यों कर रहे?
यकीन ही आ रहा है। I can't believe it. बफा फ्रॉड है, मतलब I still can't believe it. और गुरूर तो ऐसे होता है चेहरे पे जैसे कोई शीश महल की रानी हो। Oh God, कितने गंदे इलाके में रहती है वफा। नहीं शांजे, तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं कि वो किस इलाके में रहती है, उसके साथ उसकी फैमिली भी रहती है, वो इंसान है ना यार। और मुझे वफा की गुर्बत पर कोई एतराज नहीं है, हाँ गुस्सा है तो उसकी मक्कारी पर, उसकी चलाकी पर, उसके झूठ पर। नीसम की बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं उसे झूठ के खाई में गिरने नहीं दूंगी, क्योंकि एक अच्छे दोस्त का फर्ज होता है दूसरे दोस्त को बर्बाद होने से बचाना। लेकिन अगर मीसम ने वफा को रिजेक्ट करने के बाद भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है यार? प्यार तो मैंने उससे किया ना, और मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम ही नहीं, अपना सब कुछ लौटा देने का भी होता है। मोहब्बत किसी से छीनी नहीं जाती, जबरदस्ती की जाती। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इतने छोटे इलाके में रहने वाली लड़की इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में यूनिवर्सिटी कैसे आती है? पता चल जाएगा, एक एक करके हर रास्ते से पर्दा उठ जाए। मुझे पहले से तो अंदाजा था, लेकिन अब जाके यकीन आया कि वफा कितनी मक्कार, उलझी हुई डोर इतनी जल्दी सुलझ जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। निसम मुझे मिले या ना, लेकिन मैं उसे वफा के धोखे की आग में हल्के से चलने दूँ। शिज़ा, आई थिंक तुम्हें मीसम को ये सब कुछ फौरन बता देना चाहिए। नहीं, हरगिज़ नहीं। मीसम अभी मोहब्बत के शहर में, वफा के खिलाफ कुछ भी उसे बताना मतलब हमारा दुश्मन करना, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी का बेकी मकसद मीसम को वफा के चुंगल से आजाद कर। और फिर क्या करोगी? फिर मैं हमेशा के लिए लंदन चली की मरी बा। ऐसा लग रहा है कि आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। जुनेद भाई, बोलने दो, आज दिल खोल के बोलने दो। मैं इस घर के आंगन में बहुत कुछ देखना चाहता था, खड़ना चाहता था, पर बातें खत्म हो गई।
हर बात ताकिया और मैं जाकर भी इस वक्त को रोक नहीं सकता रीबा, पर अपने सपने सीने में एक ऐसा बोझ लिए जा रहा हूं जो शायद मुझे खबर में भी चैन से ना लेटने दे। हर रीबा उस बोझ से मुझे तुम आजादी दिलवा सकती हो। आपकी बहन इतनी कमजोर नहीं है जो अपने भाई का बोझ ना उठा सके। आप मुझे बताएं क्या बात, दिल खोल के बोले जो बोलना है आप। मैं एक बार आखिरी बार वफा को मिलना चाहता हूँ, जिसको सीने से लगाना चाहता हूँ, जिसके दिल में अपने लिए खोई हुई मोहब्बत को एक बार फिर से देखना चाहता हूँ। प्लीज अरीबा मेरा ये काम कर दो प्लीज। नई कलेक्शन आ गई है? अरे नहीं नहीं मैं तो ईस्टर्न का सिर्फ वेस्टर्न ही लेती हूँ ना, तो इसलिए जो हाँ मैं दो मिनट में कॉल करूँ, एक कॉल आ रही है पीछे। बाय। कितनी दफा समझाया मैंने तुम्हें बच्चों मत कहा करो मुझे, स्पेशली जब मैं फोन पे हूँ तो। क्या मसला है आप बच्चों? आखिरी बार आगे जुरेद भाई से मिलने आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ हाथ मत जोड़ो मेरे आगे। कहाँ है जुरेद? चलो हेलो हेलो मुझे लग रहा है तुम किसी और की कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं यार वो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे नाराज हो? नहीं मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। इसलिए तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मेरे दिल की हर बात जो जान जाते हो। खैर मेरी आज भाभी से बात हुई थी, वो बता रही थी कि वफा के फादर तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहते हैं। हाँ ऐसा ही है, एंड आई एम श्योर कि तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऑफ कोर्स नॉट, तुम्हारी खुशी में मैं ना खुश होने वाली कौन हूँ। हम हमेशा से दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, मैंने कभी दोस्ती के दरवाजे तो पर बंद नहीं किया था शेजा, जस्ट सो यू नो। अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से सब कुछ अपने बारे में सुनकर। खैर तुम कल यूनिवर्सिटी आओगी? हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगी। ओके ग्रेट, देन आई विल सी यू टुमारो। ऑलराइट मीसम, मैं वफा से मिलकर उसे सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें लेके मैं बहुत ज्यादा पोजेसिव हो गई थी जो मुझे नहीं होना चाहिए था। आर यू ऑलराइट? या आई एम परफेक्टली फाइन। हम दोनों की दोस्ती के खातिर इतना तो कर ही सकती हूँ। एंड डोंट यू वरी मीसम, अब मेरी वजह से तुम्हारे और वफा के रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई प्रॉमिस यू। थैंक यू, इट मींस अ लॉट। तो फिर कल यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। या श्योर। बाय बाय। जानती हो वफा, जब मैं 6 साल का था और तुम 3 साल की और अरीबा सिर्फ 2 साल की, तुमने अरीबा को छोड़ के तुम्हारी खुशी को तरजीह दिया। तुम्हारे मुंह से निकली हर फरमाइश पूरी किया करता, चाहे उसके लिए मुझे अब्बा के बटवे से ऐसे ही क्यों ना चुराने पड़ते। पर मैं चुरा लेता था, दिल करता था तो मैं इस दिल की रानी बना के रखूं। और खुदा की कसम
आज भी तुम उस दिल की रानी ही हो, और अब तुम्हारे दिल में बदगुमानी होने जगह कर ली है, और फिर मेरी फिक्र तुम्हारी खुशी से हटकर इस घर की कफालत में बट गई। इस घर की गुर्बत और तुम्हारी सोच की परवाह ने मुझसे तुम्हारा प्यार भी छीन लिया। वफा, अब मैं अपने सारी ख्वाहिशें अपने साथ लिए इस दुनिया से जा रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी जितनी भी जी सिर्फ अपनी मां और अपनी बहनों के लिए जी, उनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए जी। ये तुम्हारा अंदाज था जिंदगी जीना, लेकिन अब मालूम हुआ कि जब इंसान की ख्वाहिशात अधूरी रह जाती हैं तो उसकी जिंदगी उस पर बोझ बन जाती है। ख्वाहिशात का दूसरा नाम सब्र है वफा, और सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नजरों में। अगर मेरे नजरिए से देखा जा रहा है तो तुमने जिंदगी में रिश्ते निभाए कम और आजमाए ज्यादा। रिश्तों को आजमाने से ही तो वफा रिश्तों की असल ताकत और मोहब्बत का पता चलता है। और अब मैं इस घर के सारे बिखरे हुए रिश्तों को वापस जोड़ के जाना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है वफा कि मैं एक बार तुम्हें अपने सीने से लगा सकूं, अपने दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत है उसका एहसास दिला सकूं। प्लीज वफा, प्लीज मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। हमारी मोहब्बतें जो माजी बन चुकी हैं उन्हें अपने हाल में तलाश करना बंद कर दो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा जुनैद कि तुम अपनी हकीकत तस्लीम कर लो और रुखसत हो जाओ। I don't know how to put it into simpler words, lekin I'm madly in love with her. लानत भेज तो मैं ऐसी दोस्ती पर जो शर्मिंदगी का बायस बने। और कान खोल कर सुन लो तुम, अगर तुम नेक्स्ट टाइम मुझे वफा के इर्द गिर्द भी नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है।
ये कहाँ लेके जा रहे हो? फरहाद तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ लेके जा रहे हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ जा रहे हैं हम? पापा जी, मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ और ये खुशी सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो? आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको कहीं बैठ के आराम से समझाना पड़ेगा। ये समझाने के लिए ना मुझे तुम्हारे साथ बैठना पड़ेगा। मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिमीर मेरे क्या है? अरे वाह शराफत, बेटे देखो भाई को क्या है? भाई उठो, भाई अम्मी क्या हुआ भाई को? भाई आंखें खोलो। इसकी ना जुबली एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को फोन करो जल्दी। कोल्ड ड्रिंक एक सिप। मेरी खातिर क्यों खुद क्यों मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हो? क्या बात है, साफ साफ कहो। वफा जी, आज सारे जज्बात मैं घर पर छोड़कर आया। मुझे वो बात बहुत अच्छे से पता है कि ट्रेन के टिकट पे हवाई जहाज का सफर नहीं किया जा सकता। समंदर कभी दरिया में नहीं उतर सकता। जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा कभी आसमान में नहीं उड़ सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा था मुझे कि मैं आपके काबिल नहीं हूं। काबिल तो अपने बराबर वालों को बनाया जाता है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? आज मैं आप सारे मतलब खत्म करने आया हूं। आज मैं आपसे सारे मतलब खत्म करने के लिए आया, क्योंकि गुलाब के फूल में से मैं कांटे नहीं निकाल सकता। वफा जी, क्या पहेलियां बुझा रहे हो यार? क्या कहना चाहते हो? बचपन से आपको चाहता था, आज भी चाहता हूं और इसी तरह हमेशा टूट कर आपको चाहूंगा। काश मैं आपको अपना दिल चीर के दिखा सकता। ये दिल आप ही के नाम से धड़कता। वफा जी, मैं खौफ के ऐसे आलम से गुजर रहा हूं कि मुझे डर लगने लगा है
कि कहीं आपका नाम अगर दिल से मिट गया तो ये दिल धड़कना बंद कर देगा। याद है आपने एक बार कहा था आसमां के चाहने और चाह के आसमाने में बड़ा फर्क होता है। उस दिन तो वो बात मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आई थी, लेकिन परसों वो बात मुझे समझ में आ गई कि आपने मुझे आसमां के चाहने पर मजबूर कर ही दिया। और कितनी अजीब बात है ना, किसके बावजूद मैं आपको इतना टूट के चाहता हूं कि शायद खुद तो टूट जाऊं लेकिन कभी अपनी मोहब्बत को टूटने नहीं दूंगा। वफा जी कहते हैं कि मोहब्बत के समंदर में कूदने के लिए लम्हा काफी होता है और तैरने के लिए सारी जिंदगी। ऐसे समंदर का कोई किनारा नहीं होता और जिस समंदर का कोई किनारा नहीं होता ना, उसमें एक ना एक दिन डूबना ही पड़ता। शायद मोहब्बत को पाने की कीमत कभी कभी उसे खो देने की सूरत में अदा करनी पड़ जाती है, क्योंकि जिंदगी का महबर महबूब की खुशियों से जुड़ा होता है। मोहब्बत के रास्ते में आजमाइश शर्त है और जहां आजमाइश हो वहां कुर्बानी जरूर देनी पड़ती है। आज मैं अपनी सच्ची मोहब्बत आपकी खुशी की खातिर कुर्बान करने के लिए आया। आपकी ख्वाहिशों में से सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आया हूं। अफा जी प्लीज, सिर्फ थोड़ी देर और, अफा जी अपनी आंखें बंद करें। लेकिन प्लीज अफा जी, क्योंकि आपकी नजरों में मैं अपना गिरता हुआ मकाम नहीं देख सकता। प्लीज मैं आपको आपकी खुशी तक पहुंचाने के लिए आपको आजाद करता हूं। हमेशा खुश रहें, मैं आपको तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आपको मेरी जरूरत पड़े ना, मुझे एक आवाज दे देना ये जाने बगैर के। मैं आपको तलाक देता हूं। फरहान, तुम सोच भी नहीं सकते तुमने मुझे कितना खुश कर दिया है। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन है कि आज मैं अपनी मोहब्बत में सुरखुरु हो गया हूं वफा जी। फरहाद, तुमने मुझे इससे ज्यादा खुश कभी नहीं किया। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूं। मैं गाड़ी लेकर आता हूं। हमेशा की तरह
आज भी मैं ही आपको यूनिवर्सिटी छोड़ूंगा। वाह भाई, यकीन नहीं होता कि आज के दौर में भी इस जैसे आशिक मौजूद हैं। I am so sorry फरहाद, but I'm really happy।